Hello, everyone. I hope I am audible. Let me check. Is it working or not? Okay, so it's working. Yeah. So, study I got one message from a student. कि सर आपका हम रेफरल कोड बहुत ढूंढ रहे थे ढूंढ रहे थे मिल ही नहीं रहा था कहीं आपका रेफरल कोड जल्दी मिलता नहीं है सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू मेक अ सेपरेट स्लाइड फॉर द रेफरल कोड कि अगर किसी को जरूरत पड़े देन दे कैन यूज सो वो बेचारा बड़ा सब जगह ढूंढा ये वो नहीं मिल रहा था नहीं मिल रहा था फिर फाइनली वो हम ही को मैसेज किया कि सर आप अपना रेफरल कोड बता दीजिए देन आई हैड हिम रेफरल कोड सो दिस कोड यू कैन यूज इन एनी थिंग

जितना रिसोर्स आप लोगों को दिया जा रहा है एट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस इतना शायद ही फ्यूचर में भी अवेलेबल होगा ठीक है फ्यूचर में भी इससे ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ठीक है तो इससे जितना एडवांटेज आप लोगों का जनरेशन उठा सकता है उठा ले ठीक है 2023 के लिए प्रिपरेशन हो रहा है गेट स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर होइए कीजिए दिस इज रेज देंड फीचर अच्छा फीचर है क्लियर आप अगर इसमें यूज करना चाहते हैं हम हर वीक आते हैं सैटरडे को सैटरडे को हम इसमें हर वीक आते हैं और इसमें आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमसे चैट के थ्रू नहीं डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं चैंपियन स्पीक इजिली एवेलेबल है बहुत सारा वीडियोज एवेलेबल है यूट्यूब पे जिसमें कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ और आप लोग उसको देखिए तो मोटिवेशन फील होता है गाइडेंस मिलता है कि कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए हर किसी को अपने टाइप का कोई ना कोई क्वालिफाइड लोग मिल जाता है ठीक है हर आदमी का टाइप अलग अलग होता है ना कोई बहुत मेहनती होता है कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है कोई बहुत शार्प होता है कोई बहुत अच्छा प्लानिंग करता है तो सबको अपने टाइप का क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं तो जिसका जिससे ट्यूनिंग अच्छा हो जाए उससे लर्निंग ईजी हो जाता है उनके लिए देन ये आज का डाउट अन एकेडमी ऐप पे डाउट पूछ सकते हैं आप लोग ये लाइव मंटॉनशिप प्लेटफॉर्म जो कि केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है सबके लिए अवेलेबल नहीं है ठीक है नाउ इज इट विजिबल या ज्यादा ब्लड हो गया दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को हा? चैट में बताइए दिख रहा है या नहीं क्वेश्चन या ज्यादा ब्लड हो गया क्रॉप करके हम फिर उसको एक्सपैंड किए थे विजिबल है ना चलिए ठीक नाउ सो वन मोर थिंग इस सीरीज में हम क्या पढ़ाएंगे वो आपको हम बता देते हैं इस सीरीज में केवल गेट का क्वेश्चन नहीं कराएंगे सारे एग्जाम्स का जो क्वेश्चन गेट के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग कवर कर लेंगे तो गेट में जितना सिलेबस है उसके लिए जितना जहां कहीं स्टेट में भी क्वेश्चन आया एस एस में भी आया लेकिन वो गेट के लिए रेलिवेंट है तो उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे ये तो खैर गेट का ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी क्वेश्चन करेंगे अच्छा गेट का भी करेंगे एसएससी का भी कुछ कर लेंगे जो भी क्वेश्चन आरसीसी को रिवाइज करने के लिए कंप्लीट रिवाइज तो कभी भी आपको आरसीसी रिवाइज करना है ना कि पूरा सब कुछ माइंड में है कि नहीं ये सीरीज देख लीजिए ये पूरा सीरीज देख लीजिएगा सारा टाइप का क्वेश्चन अच्छा याद आ जाएगा अच्छा ये होता है ये होता है ये होता है सब कुछ माइंड में क्लैरिटी आ जाएगा सो so क्वेश्चन तो डील करेंगे ही क्वेश्चन के आगे पीछे भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे सो so दैट कि आपको नॉलेज रिवाइज हो जाए सारा कुछ जो भी आप लोग पढ़े ठीक है चलिए द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन कितना 5% रिजल्ट ठीक है ये सिंपल डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ही है कि वो स्ट्रेंथ जिसके नीचे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए 0% हो सकता है क्या हो सकता है 6% हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो 6% नहीं होगा 0% हो सकता है 2% नॉट मोर देन 5% ऑलवेज रिमेम्बर गेट जो है इन सब के साथ बहुत प्ले कर रहा है आज के डेट में ये सब जो डेटा है ना लोग रट जाते थे समझते नहीं थे तो gate बनता ही नहीं है ठीक है तो इसलिए इन सबको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा ऐसा नहीं है बस रट लिए पांच परसेंट तो एग्जाम में पांच ही परसेंट लिखा पड़ेगा यह बहुत पुराना क्वेश्चन है क्लियर आज के डेट में इतना सिंपल वे में नहीं देगा क्वेश्चन को ठीक है देन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा so, इसका आंसर कम टू दिस वन क्वेश्चन को हम मिक्स कर दिए हैं ऐसा नहीं हम कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ ऐसा हम क्वेश्चन के साथ नहीं कर रहे हैं कि एक चैप्टर का क्वेश्चन एक बार में कराएंगे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया सो दैट की रिवीजन ज्यादा अच्छे से हो अगर एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन देते हैं ना तो उतना मजा नहीं आता है सॉल्व करने में इज इट क्लियर मेरा आरसीसी का पूरा वर्कबुक अवेलेबल है अगर आप लोगों को चाहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मांग लीजिएगा आरसीसी का पूरा वर्कबुक है सारा चैप्टर में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है तो और एंड में आंसर की भी दिया हुआ है तो आराम से उस क्वेश्चन को आराम से आप पढ़ सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी कंसिडर दिंगली रेनफोर्ड बीम शोन इन द फिगर बिलो ये सिंगली रेनफोर्स बीम है एक स्ट्रेस का वेरिएशन पूछ रहा है और दूसरा स्ट्रेन का वेरिएशन पूछ रहा है स्ट्रेस का वेरिएशन और स्ट्रेन का वेरिएशन तो आप लोगों को पढ़ाया गया हमेशा हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं लीनियर स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर कंसीडर करते हैं और स्ट्रेस का कैसा होगा? तो बात है एट द टाइम ऑफ स्टील में भी लीनियर पोर्शन के बाहर चला जाता है और कंक्रीट में तो लीनियर पोर्शन के बाहर चला ही जाता है तो स्ट्रेस वेरिएशन क्या हो जाएगा नॉन लीनियर लेकिन स्ट्रेन वेरिएशन तब भी क्या रहेगा लीनियर तो हम लोग क्या करेंगे ये बी इज द करेक्ट आंसर आया समझ में रुक रुक हम जरा ओपन कर लेते हैं तभी आप लोगों का चैट हमको दिखेगा यस yes. ठीक है गुड 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 लोग आंसर बता रहे हैं नाउ अ स्ट्रेस ब्लॉक यूज्ड इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड इज ऑप्टेन्ड बाय टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट सिलेंडर यही वर्ड जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट किया यही वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किया है क्या इंडिया में इंडिया में हम लोग क्यूब का टेस्टिंग करते हैं बेसिकली एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्यूब का टेस्टिंग होता है और अमेरिका में जो है ना आपका सिलेंडर का टेस्टिंग होता है वो लोग सिलेंडर टेस्टिंग करते हैं और हम लोग कौन सा टेस्टिंग करते क्यूब टेस्टिंग करते हैं तो अगर इस क्वेश्चन में कॉन्क्रीट क्यूब दे देता तो एसन सही हो जाता बट कॉन्क्रीट सिलेंडर दिया है यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन स्ट्रेन का रेट यूनिफॉर्म रखते हैं समझ में आया मतलब अभी जितना स्ट्रेन अप्लाई किए फिर उतना ही अप्लाई करेंगे फिर उतना ही अप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस नहीं लगाते यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस अलग चीज है यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन अलग चीज है दोनों में डिफरेंस है आया समझ में सबको क्लियर हुआ सबको ठीक है सो यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस अलग होता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन अलग होता है नाउ तो एसर्शन आपका गलत हो गया एसर्शन गलत हो गया इफ अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन इज नॉट अडॉप्टेड इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑप्टेन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कॉन्क्रीट का होता है वो कुछ ऐसा होता है सो so, यहां से लेके यहां तक दिस इज असेंडिंग पोर्शन और यहां से यहां तक दिस इज डिसेंडिंग पोर्शन तो ये डिसेंडिंग पोर्शन जो मिलता है ना वो कंट्रोल्ड स्ट्रेन से मिलता है अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन नहीं फॉलो करेंगे तो हम लोगों को डिसेंडिंग पोर्शन नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस एक होता है एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन होता है जो लोग मेरा लेक्चर आरसीसी का अटेंड किए होंगे उनको ये चीज पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो लोग नहीं किए हैं मेरा आरसीसी का लेक्चर अगर अटेंड कर सकते हैं तो कर लीजिए ठीक है तो उसमें ये सब चीज पूरे अच्छे से बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है और यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है समझ में आया ठीक है नाउ तो रीजन जब तक ये हम लोग नहीं अप्लाई करते ये डिसेंडिंग पोर्शन नहीं मिलता है तो रीजन सही है assertion गलत है तो रीजन सही है assertion गलत है तो डी मेरे हिसाब से डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि यार कंक्रीट सिलेंडर लिखा है इग्नोर मार दो कंक्रीट क्यूब लिखना चाहिए था उसको कंक्रीट सिलेंडर लिख दिया है तो वो लोग एसर्शन को भी सही मानते हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही ठीक है तो उन लोगों के हिसाब से ए हो जाता है तो ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के बनाया था उससे गलती से सिलेंडर लिखाया या वो लिखायाटली सिलेंडर लिखा है इस पर डिपेंड करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दिस विल बी ऑलवेज मैटर ऑफ डिस्कशन क्लियर अगर एकदम वर्ड बाय वर्ड इसको चेक कीजिएगा तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा ठीक है और अगर आप इसको इग्नोर कीजिएगा सिलेंडर को क्यूब मान लीजिएगा तब फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आया समझ में चले आगे द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज देखिए हंड्रेड क्यूब अगर हम लोग टेस्ट करते हैं हंड्रेड क्यूब टेस्ट करते हैं तो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है सारे स्ट्रेंथ का एवरेज अगर निकालिएगा तो 50 परसेंट क्यूब एवरेज के नीचे हो जाएगा एवरेज स्ट्रेंथ के और 50 परसेंट क्यूब एवरेज के ऊपर हो जाता है ये ऑटोमेटिक होता है ठीक है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है जब भी टेस्टिंग कीजिएगा हमेशा ऐसा होगा जितना भी आप टेस्टिंग कीजिएगा जितना भी आप टेस्टिंग कीजिएगा तो जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगा 50% परसेंट क्यूब का स्ट्रेंथ एवरेज से नीचे होता है 50% परसेंट क्यूब का स्ट्रेंथ एवरेज से ऊपर होता है इज इट क्लियर सबको समझ में आया आपका कैटिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है उसके नीचे फाइव परसेंट होता है और एवरेज के नीचे फिफ्टी परसेंट मान लीजिए कि ये लाइन है टोटल स्ट्रेंथ मिनिमम स्ट्रेंथ यहां है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहां है तो एवरेज स्ट्रेंथ कहां होगा बीच में होगा ठीक है इसके नीचे 50 परसेंट इसके नीचे 50 परसेंट दिस इज एवरेज और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहां होता है यहां पे होता है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यों क्योंकि उसके नीचे फाइव है अब बताइए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एवरेज स्ट्रेंथ से कम है या नहीं सिंपल है कैटिस्टिक स्ट्रेंथ एवरेज स्ट्रेंथ से कम है सो कैटिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ ये सही है आया समझ में ठीक है गुड द सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लेस देन द क्यूब स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बहुत डिस्प्यूटेड ठीक है आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा आज के डेट में बट बहुत ही डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है गूगल पे डाल के देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्यूब से ज्यादा क्यों होता है जगह पे इसका आंसर मिलेगा कि सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्यूब से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि क्यूब वन फिफ्टी बाई वन फिफ्टी होता है और सिलेंडर थ्री हंड्रेड बाई वन फिफ्टी होता है तो उसका सिलेंडरनेस ज्यादा है इसलिए उसका स्ट्रेंथ कम है दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ये कंप्लीटली रॉन्ग एक्सप्लानशन है सही एक्सप्लानीशन क्या है जब हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं ना जब हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं इज इट क्लियर सिलेंडर और क्यूब का हम लोग टेस्टिंग करते हैं बता देते हैं आप लोगों को सो so, सिलेंडर कुछ ऐसा होता है ऐसे हम लोग टेस्टिंग किए सो टॉप से और बॉटम से हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो टॉप और बॉटम से स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो स्टील का प्लेट होता है जिससे कि हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं मशीन का जो स्टील का प्लेट होता है तो स्टील का प्लेट और सिलेंडर का टॉप सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है स्टील का प्लेट और सिलेंडर के टॉप सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से वो पार्टिकल जो है ना बाहर की तरफ नहीं भाग पाता है लेकिन वो फ्रिक्शन का इफेक्ट इतने पोर्शन में ही होता है इतना पोर्शन टॉप में और इतना पोर्शन बॉटम में जो ऊपर का फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन की वजह से पार्टिकल बाहर नहीं भाग पाता है ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो वो फटना चाहता है लेकिन फटने के लिए वो फ्रिक्शन की वजह से ऊपर का पार्टिकल जो है वो बाहर नहीं जा पाता नीचे का भी पार्टिकल बाहर नहीं जाता टॉप और बॉटम का बीच का पार्टिकल वो बाहर जा सकता है इतने पोर्शन में कोई फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं आता है ना क्यूब में क्यूब का हाइट कम होता है तो इसमें भी फ्रिक्शन के कारण पार्टिकल बाहर नहीं जा पाता है लेकिन ये दोनों जो है ना कनेक्ट हो जाता है ये और ये कनेक्ट हो जाता है तो इसका पूरा हाइट फ्रिक्शन से सोचिए आप किसी चीज को ऐसे प्रेस कर रहे हैं वो फटना चाहता है अगर आप साइड से उसको होल्ड करके रख दीजिएगा तो लोड ज्यादा लेगा या कम लेगा ज्यादा ले लेगा ले तो क्यूब में साइड से उसको कौन रोक रहा है फ्रिक्शन रोक रहा है ऊपर टॉप का फ्रिक्शन और नीचे का फ्रिक्शन तो इसको रोक रहा है इसीलिए इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आता है और इसमें स्ट्रेंथ कम आता है क्योंकि बीच वाले पोर्शन में कोई फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं है तो इसलिए यही रीजन है कि गेट ने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि लोगों को लगता था कि सिलेंडर slender, सिलेंडरनेस के कारण ये होता है लेकिन ये गलत एक्सप्लेनेशन है इसीलिए गेट ने ये क्वेश्चन पूछा और आज के डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं कि ये सिलेंडरनेस के कारण नहीं होता है किसके कारण होता है द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्क्रीट स्पेसिमेन एंड द स्टील प्लेट ऑफ द टेस्टिंग मशीन इसके कारण होता है सी आया सबको समझ में क्लियर mm. हुआ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इज गिवन बिलो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है नाउ आपको डिसाइड करना है कि स्ट्रेस ब्लॉक का डायग्राम कैसा बनेगा स्ट्रेस ब्लॉक का डायग्राम ये क्वेश्चन 2008 में हम ही बनाए थे जब हम एमटेक में पढ़ते थे ना तो उस समय ये क्वेश्चन हम फ्रेम किए थे और इसको टेस्ट सीरीज में डलवाए थे उस समय के टेस्ट सीरीज में 2008 में या 9 में हम फ्रेम किए थे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर हुआ था बहुत लोगों को ये क्वेश्चन काफी पसंद आया था क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत लोगों से नहीं बनता है So, तो लीनियर होगा और स्ट्रेन वेरिएशन के क्रॉस्पॉन्डिंग स्ट्रेस वेरिएशन तो स्ट्रेन जब इतना होगा स्ट्रेन जब इतना जाएगा तो उस समय कुछ इतना स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन उससे कम रहेगा तो स्ट्रेस ज्यादा रहेगा और फिर स्ट्रेन उससे कम होगा तो फिर स्ट्रेस ऐसे आएगा आया समझ में क्लियर सो दैट्स बी इज द करेक्ट क्लियर हुआ ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है ठीक है आ ही जाएगा कभी ना कभी कैटेस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एम ट्वेंटी कॉन्क्रीट इज ट्वेंटी मेगा पासकल वॉट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स है

क्लियर? सो एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी में आप लोग मिस्टेक करते हैं इज इट क्लियर तो ये सब नहीं करना है नाउ फटीग इन अ प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ साइकिल्स इज लेस कोई बताएगा इसका आंसर कोई बताएगा इसका आंसर यस yes, राजेश हमको भी बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड पे मजा आता है पढ़ने में कोई बताएगा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कहां पढ़े कहां पढ़े हैं ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कहां पढ़े कौन पढ़ाया? हाँ? कहा पढ़े हैं बताइए गिरे गुडनों में गिरे गुडनों में नहीं है ना 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 कुछ गड़बड़ आपकी है गिरे गुडनों में नहीं है गेड़े गुडनो आरसीजी का नहीं है नहीं 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 ठीक है See, आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का स्टोरी पहली बात कि फटीक जो होता है ना वो बहुत हाइयर नंबर ऑफ साइकिल नहीं होता मिलियंस में होता है मिलियन मतलब टेन लाख थाउजेंड्स में नहीं होता है टेन लैख ,00 से प्लस होता है ठीक है तब उसको फटीक में काउंट करते है. इतना कम पे फटीक वटीक नहीं होता है क्लियर पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट हमको तो आज तक ये क्वेश्चन का आंसर किसी बुक या किसी कोड में नहीं मिला है अगर किसी को मिले तो हमको रेफरेंस दे दीजिए ठीक है अगर कहीं आपको किसी कोड में या किसी बुक में मिलता है तो फोटो क्लिक करके हमको मैसेज कर दीजिएगा मेरा नंबर हम दे देते हैं जिसको भी मिले ना वो हमको भेज दीजिएगा हमको तो अभी तक नहीं मिला है ठीक है, 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 क्योंकि में में में, में होता है, millions में होता है, और ये thousands में, तो thousands में होना नहीं चाहिए आंसर, और चूंकि हमको अभी तक मिला नहीं है, रॉन्ग so क्वेश्चन ये राइट right क्वेश्चन नहीं है अगर किसी को मिलता है तो वो हमको बता दीजिएगा क्लियर हुआ सबको ठीक है क्लियर हुआ यूपीएससी वालों ने क्या आंसर दिया है हमको ध्यान नहीं है यूपीएससी था आंसर बट यूपीएससी भी तो गलत आंसर दे सकता है यूपीएससी आंसर दे दिया है तो इट ड मीन दैट ना कि वो अपने आंसर को फिर से रीचेक करवाया है नहीं करवाया है ठीक है यूपीएससी में चीजें गलत होने का चांस कम है बट यूपीएससी इज नॉट ऑथेंटिक सोर्स फॉर द नॉलेज याद रखिएगा UPSC is not authentic source for the knowledge. UPSC एग्जाम लेता है UPSC नॉलेज को ऑथेंटिकेट नहीं करता है आया में बात ठीक है क्लियर सो इसीलिए हम ये क्वेश्चन यहाँ पे लाए थे कि आप लोगों को बता दे बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये स्टोरी है हर क्लास में ऐसे हम पढ़ाते हैं जब भी आर सी सी पढ़ाते हैं सबको बताते हैं कि इसका नहीं मिला है ठीक है फ्लेक्सेंथ ऑफ एम थर्टी कॉन्क्रीट एस पर आई एस फोर फिफ्टी सिक्स फ्लेक्सेंडुलस ऑफ रक्चर याद रहेगा ना कि दोनों एक चीज है फ्लेक्सल स्ट्रेंथ और मॉड्य कैसे पता नहीं चलेगा सो एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन रूट एफ सी के एफसी के कितना थर्टी कितना यार से आ जाता है ठीक है थ्री पॉइंट एट थ्री नाउ मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एक्सपोजर लेवल एंड लेवल ऑफ सीबीआईटी एक्सपोजर लेवल और लेवल ऑफ सीबीआईटी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा एक्सपोजर है तो किस में जाता है मॉडरेट सो मॉडरेट में कौन सा आएगा सरफेस मेंबर इन टाइडल जोन टाइडल जोन किस में जाता है टाइडल जोन किस में जाता है सब लोग बताइए टाइडल जोन किस में जाता है टाइडल जोन सो so, टाइडल जोन आपका जाएगा एक्सट्रीम में तो ए का ए का नहीं डी का क्या हो जाएगा डी का हो जाएगा वन डी का वन तो अब आपको सी और डी में फाइनल करना है देन उसके बाद कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे ये किसमें आता है वेरी सीवियर में ठीक है ये वेरी सीवियर में थर्ड कंक्रीट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर ठीक है ये आपका आ जाएगा सीवियर में ठीक है और कंक्रीट मेंबर शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया शेल्टर्ड है ठीक है तो ये मॉडरेट ठीक है तो क्या हो जाएगा ए का फोर बी का थ्री सो सी इज द करेक्ट आंसर आया समझ में सबको क्लियर yeah. मजा आ रहा है ना क्वेश्चन बनाने में मजा आ रहा है सर्टेन आरसी स्ट्रक्चर है सी कोस्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बहुत ही फेमस बहुत frequently आता, हर एग्जाम में एग्जाम दीजिए दीजिए गेट दीजिए सब में पूछता है ये क्वेश्चन सी कोस्ट सी कोस्ट में मिनिमम ग्रेड आरसी के लिए एम थर्टी नॉट लेस एम थर्टी एम थर्टी या उससे ज्यादा आरसी के लिए और पी अगर पूछ देगा पीसीसी पूछेगा तो कितना हो जाएगा एम ट्वेंटी पीसीसी के लिए एम ट्वेंटी आर के लिए एम थर्टी और नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में आरसी के लिए कितना आर के लिए नॉर्मल कंडीशन में एम ट्वेंटी और पीसीसी का नॉर्मल कंडीशन में कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है आप कोई भी यूज कर सकते हैं जल्दी से एग्जाम पास कर लीजिए ये ये वैल्यू वैल्यू जो है है होने वाला ये 25 हो जाएगा नॉर्मल आरसी स्ट्रक्चर जो बनता है ना अभी मिनिमम ग्रेड ट्वेंटी है कुछ दिन में कोड चेंज होने वाला आई एस फोर फिफ्टी सिक्स उसका वैल्यू पूरा कोड चेंज होने वाला है आई एस फोर फिफ्टी सिक्स पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा बहुत सारा नया कोडल प्रोविजन आ जाएगा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को इसलिए बेटर है कि उससे पहले एग्जाम पास कर जाइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडेक्ट द इफेक्टिव मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इफेक्टिव इफेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है सो लॉन्ग टर्म में मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है शॉर्ट टर्म का मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई वन प्लस थीटा थीटा क्या है एंगल है क्या थीटा क्या है एंगल है थीटा नहीं थीटा एंगल नहीं है थीटा है क्रीप कोफिशियंट दिस इज क्रीप कोफिशियंट क्रीप कोफिशियंट है और इसी का वैल्यू कितना होता है दैट इज फाइव थाउजेंड रूट एक्सी के इस पे भी क्वेश्चन आता है ये सब याद रखना चाहिए ठीक है पुराने कोड में फिफ्टी सेवन हंड्रेड था अभी याद करने का जरूरत नहीं है भूल जाइए भूल जाइए कि हम कुछ बोले थे अभी ठीक है है सोचना भी नहीं नाउ द मॉडल ऑफ इक्वल टू फाइव थाउजेंड रूट एफ सीके वे एफ सीके इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्पेसिफाइड इन इतना ये क्या है सो so, ये yes, है है है, है इतनी बार बोले हैं ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा बहुत लोग इसको टेंजेंट मॉडल बोल देते इनिशियल टेंजेंट बोल देता है नहीं है हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे बहुत कंफ्यूजन था लोगों के बीच में कि इनिशियल टेंजेंट है कि सेकेंड है हम भी याद में पढ़ाना शुरू किए थे परेशान हो गए कि कहीं कोई कुछ बोलता है कहीं कोई कुछ बोलता है देन आई डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड टू पिल्लई मेनन नन को डायरेक्टली कांटेक्ट किए थे पिल्ले ने बोला नहीं वो सेकंड मॉडलस है तब से हम एकदम कॉन्फिडेंट हो गए मेरे मेल में भी पड़ा हुआ है उनका रिप्लाई कि वो सेकंड मॉडल है क्लियर सो दैट इज सेकंड मॉडल अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है समझ में आया <laughs> पिल्ले अगर कोई बात बोल देते हैं देन दैट इज फुल एंड फाइनल के भगवान है वो लोग समझ में आया ठीक है कोड से ज्यादा ऑथेंटिक पिल्लई है आप लोगों को एक नया इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पिल्लई का फोर्थ एडिशन मार्केट में आ गया है फोर्थ एडिशन तो अब कोई भी आरसीसी का पिल्ल में खरीदेगा तो फोर्थ एडिशन खरीदिएगा थर्ड एडिशन मत खरीदिएगा मेरे पास भी अभी तक थर्ड एडिशन एडिशन है अभी अभी हमको कल ही पता चला है कि फोर्थ आ गया एमेजॉन पे नहीं मिल रहा है मेरे एरिया में पता नहीं आप लोग के एरिया में मिल रहा है तो परचेज कर सकते हैं मेरे एरिया में अभी करेंटली अनबल दिखा रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको फील कर लीजिए सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है जितने स्ट्रेस पे कोई चीज बेकार हो जाता है सिंपल जितने स्ट्रेस पे कोई चीज बेकार हो जाता है ठीक है और जितना आप स्ट्रेस अप्लाई किए हुए हैं तो जितने पे कोई चीज बेकार हो जाए डिवाइडेड बाय आप जितना अप्लाई किए हुए हैं दैट इज फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतने से आप सेफ है अगर कोई चीज हंड्रेड किलो न्यूटन पे टूट जाता है और आप उस पर सेवेंटी किलो न्यूटन अप्लाई किए तो आप कितने से सेफ है हंड्रेड बाई से आप सेफ है

तो इल्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस सो दिस इज फैक्टर ऑफ 50 ये अच्छा क्वेश्चन हमको लगा इसलिए हम रख लिए इंजीनियरिंग सर रिसर्च का है। ठीक है ओह माय गॉड लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोग तो क्लास को मजा आ रहा है इस पे पढ़ाने में नहीं हां थोड़ा सा और मजा आए हम सोच रहे हैं कि एक और स्क्रीन हम ऐड कर लेते हैं यहां पे ठीक है और उसमें आप आप लोगों के चैट वाले को जो है ना चैट वाले पोर्शन को बड़ा कर देंगे तो हमको चैट दूर से दिखे अभी जो मोबाइल में देखना पड़ता है ना वो ऐसे नहीं कर देखना पड़ेगा सीधा सामने में स्क्रीन कर लेंगे बड़ा सा केबल से ऐड कर लें तो दूर से ही दिखेगा हमको ठीक है अभी मोबाइल में हम देखते हैं ये वाली डेफिनेशन डक्टाइल मटेरियल की होगी ना ठीक है हम क्या आपको बताएं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सीधा सीधा मीनिंग होता है जिस स्ट्रेस पे कोई चीज बेकार हो जाए अब वो इल्ड करके बेकार हो गया या रक्चर होके बेकार हो गया किसी भी तरीके से वो बेकार हो गया तो वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस दैट इज फाइनल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15

ग्रास आ जाएगा तो उससे कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ खराब हो जाता है वाइब्रेटर नहीं मिला तो रॉड से कॉम्पैक्ट कर देगा समझ में आया वाइब्रेटर नहीं मिलता है तो रॉड से कॉम्पैक्ट कर देता है सैंड नहीं मिला तो मिट्टी मिला देता है समझ में आया कुछ भी करता है लोग ठीक जा है जाके देखिएगा ना तब तो मजा आएगा साइट पे जब काम कराई है ना तभी तो इसमें मजा आएगा आपको ठीक है क्लियर सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसीलिए कंक्रीट का ज्यादा होता है और स्टील का कम होता है बहुत लोगों के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन होता है सर ये पार्शियल वर्ड क्यों पार्शियल वर्ड क्यों क्लियर सो पार्शियल वर्ड क्यों होता है वो हम आप लोगों को अच्छा पहले वाला क्वेश्चन रह गया बता देते बता देते एकदम ध्यान दिए हुए हैं कि कोई क्वेश्चन छूटे ना हो माय oh गॉड एक एक चीज ठीक है एक स्किप हो गया वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा है ना एक स्किप हो गया वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ठीक है नाउ पार्शियल वर्ड क्यों यूज होता है देखिए सबसे पहले WSM आया था सबसे पहले WSM आया था WMA, में एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था लोड जितना होता था उतने के लिए ही डिजाइन करते थे और मटेरियल का स्ट्रेंथ जितना होता था उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के कम कर देते थे तो सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के स्ट्रेंथ में लगाते थे लोड में कुछ नहीं लगाते थे जब एलएसएम आया एल एस एम में क्या किए लोड को भी बढ़ा दिए और मटीरियल स्ट्रेंथ को भी कम किए दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहां पे कोई बोलेगा फैक्टर फैक्टर ऑफ ऑफ सेफ्टी सेफ्टी तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया जो डब्ल्यू एस एम को ज्यादा प्यार करते थे बहुत लोग होता है ना पुराने मेथड को ज्यादा प्यार करते हैं बहुत लोग नए मेथड को ज्यादा प्यार करते हैं जैसे बहुत लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छा लगता है बहुत लोगों को ऑनलाइन ज्यादा अच्छा लगता है हम लोग ऑनलाइन वाले सब है ना हम लोग ऑनलाइन पसंद करने वाले लोग हैं ठीक है सो जो लोग डब्ल्यू को बहुत ज्यादा प्यार करते थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिखाया कि मटेरियल के साथ भी फैक्ट ऑफ सेफ्टी और लोड के साथ भी फैक्ट ऑफ सेफ्टी ये क्या मीनिंग हुआ तो जो नया मेथड लेके आता है वो लोग भी तेज आदमी होता है तो वो लोग कहा कि ऐसा करो कि इसमें एक पार्शियल वर्ड घुसा दो तो पार्शियल फैक्ट ऑफ सेफ्टी लोड के साथ पार्शियल फैक्ट ऑफ सेफ्टी मटीरियल के साथ हो गया सब लोग शांत हो गए अब यही चलता है ठीक है तो आज के डेट में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ठीक है गुड 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 चलिए पहले ये वाले का आंसर बता देते हैं कॉन्क्रीट इज हेट्रोजीनियस कंट्रोल ऑफ क्वालिटी बी ना हम्म चलिए पिछला क्वेश्चन बता दो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस सर्विसबिलिटी में कौन सा चीज आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में कौन सा चीज आता है तो सिंपल है जिससे स्ट्रक्चर टूट जाता है जिस चीज से स्ट्रक्चर टूट जाता है वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है जिस चीज के कारण स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो जाता है मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं दैट कम्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी समझ में आया सो दैट कम्स अंडर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी स्टेबिलिटी अंडर लोड

फ्लोर वाइब्रेशन फ्लोर ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो टूट नहीं रहा है फ्लोर लेकिन आपको अनकंफर्ट तो होगा ना समझ में आया फ्लोर का वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आपको अनकंफर्ट तो होगा तो फ्लोर वाइब्रेशन फॉर्मेशन ऑफ में प्लास्टिक एनालिसिस पढ़े हैं ना स्टील स्ट्रक्चर में प्लास्टिक एनालिसिस आप लोग पढ़े मैकेनिज्म तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर जस्ट कोलैप्स हो जाता है तो मैकेनिज्म भी बन गया तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो वो तो सर्विसबिलिटी में नहीं आएगा द फैक्टर लोड एट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डेड लोड लाइव लोड डेड लोड विंड लोड एंड डेड लोड लाइव लोड विंड लोड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पूछ रहा है ये टेबल पूरा याद रहना चाहिए अगर याद नहीं है तो कभी भी एग्जाम में आप फंस जाइएगा इस पे क्वेश्चंस आता है ठीक है तो ये टेबल पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है सबको ये टेबल याद करना है क्लियर तो डेड लोड लाइव लोड दोनों में क्या होता है 1.5 1.5 डेड लोड विंड लोड दोनों में 1.5 1.5 और तीनों जब हो जाता है तो 1.2 1.2 1.2 कौन सा हो गया कौन सा मैच किया ये वाला बी किया ना जीरो पॉइंट नाइन और वन पॉइंट फाइव डेड लोड प्लस लाइव लोड बी ठीक है इसमें वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव होता और जीरो पॉइंट नाइन भी होता है डेड लोड के साथ जीरो पॉइंट नाइन भी एक केस में आता है ठीक है रुक जाए रुक जाइए नहीं नहीं नहीं, नहीं गड़बड़ हो गया ना जीरो पॉइंट फाइव नाइन जो आता है इसमें आता है ना डेड लोड विंड लोड विंड लोड अर्थक्वेक लोड होता है तो वो स्ट्रक्चर को टॉपल करने का कोशिश करता है और डेड लोड उसको स्टेबिलिटी देता है तो उस केस में ये यूज करते हैं ये गलत है ना ये गलत है आपका ये होगा डी डेड लोड और विंड लोड जब होता है तो जीरो पॉइंट नाइन और वन पॉइंट फाइव होता है समझ में आया अब गुड़ 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 डी 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 एफ सी यू एंड एफ वाई आर क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ये है द अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट ठीक है अल्टीमेट स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट क्या होगा कौन सा होगा देखिए 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 कितना लोग डी 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 बोल दिया है। यही लोग एग्जाम में गलती करके आएगा और फिर कहेगा सर सिली मिस्टेक हो हो गया सिली हो गया सिली मिस्टेक डी नहीं है जब भी ये देखिए हमेशा इसी को टिक नहीं कीजिए कंक्रीट का पूछा है देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फ्लेक्सा स्ट्रेन इन कंक्रीट पूछा फंसाने के लिए देता है क्वेश्चन सारा ऑप्शन दे देता ना अगर ऐसा और एक केवल जीरो पॉइंट जीरो जीरो ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर देते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा सी सी होगा ठीक है मिनिमम स्ट्रेन एट द फेलियर इन टेंसमेंट जिस समय फेल होता है टेंसाइल एनफोर्समेंट में स्ट्रेन कितना होना चाहिए एप्सिलॉन स्टील जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस जीरो हंड्रेड है, है तो फोर हंड्रेड को यहाँ पुट करके निकालना पड़ता है आया समझ में क्लियर सो so, उससे काम नहीं चलेगा तो इसको निकालिएगा ना तो सी आएगा इसका आंसर ठीक है इसका आंसर सी आएगा कार्बन होता है सल्फर होता है होता है, है, ये ये वो ये वो बहुत चीज जाता है। का quality को अच्छा करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कार्बन कंटेंट तो स्टील में आयरन के बाद सबसे हाईअर परसेंटेज में कार्बन जनरली रहता है ठीक है उसके बाद बाकी सब तो बहुत कम कम परसेंटेज में होता है क्लियर कार्बन का क्या रोल है जैसे जैसे कार्बन आप डालिएगा ना स्टील मजबूत हो जाता है ठीक है बहुत स्ट्रांग हो जाता है स्टील लेकिन उसका डक्टिलिटी कम हो जाता है और सबसे ज्यादा हाई कार्बन किस में होता है कास्ट आयरन में कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा होता है तो कास्ट आयरन का डक्टिलिटी बहुत कम होता है कैसे पहचानिएगा कि कास्ट आयरन है कि नॉर्मल आयरन है कास्ट आयरन का कोई भी चीज अगर बना हुआ होगा ना आप उसको कभी भी लाइफ में बेंड होते नहीं देखिएगा वो सीधा टूट जाता है वो तो यही सिंपल वे है कास्ट आयरन पहचानने का आप उसको बेंड कीजिएगा ना तुरंत टूट जाता है ठीक है जैसे ग्लास टूटता है ना वो ऐसे कास्ट आयरन टूटता है बस ग्लास तुरंत टूट जाता है वो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाने पर टूटेगा लेकिन वो बेंड नहीं होगा क्लियर ईएस का वैल्यू सर ईएस का वैल्यू याद करना पड़ता है ES का वैल्यू जो है ना याद रखना पड़ता है टू इंटू टेन टू दी पावर फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर ठीक है स्टील स्ट्रक्चर या आरसीसी स्ट्रक्चर में टू इंटू टेन टू दी पावर फाइव होता है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही वैल्यू टू पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव होता है ES का वैल्यू कम कंसीडर कर रहे हैं इट मींस कि आप स्ट्रक्चर को सेफर साइड में ले जा रहे हैं आया समझ में क्लियर हुआ सबको एस का वैल्यू कम कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर को सेफर साइड में ले जा रहे हैं क्लियर हो गया नाउ तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन carbon... कोई एग्जांपल देगा कास्ट आयरन का कोई एग्जांपल दीजिए कास्ट आयरन का कोई एग्जांपल दीजिए कास्ट आयरन का कोई एग्जांपल दीजिए हैंड हैंड पंप पंप गुड का जो हैंडल होता है ना आप कभी भी उसको बेंड होते नहीं देखिएगा या तो टूट जाएगा या एज इट इज रहता है हैंड हैंड पंप पंप क्लियर तो hand pump जो बनता है ना वो कास्ट आयरन का बनता है नाउ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द स्ट्रेसेस क्या है स्ट्रेसेस होता क्या है स्ट्रेन होता है ना स्ट्रेन होता है याद आ रहा है सबको स्ट्रेन होता है स्ट्रेस नहीं होता है स्ट्रेन होता है तो पहला स्टेटमेंट गलत लिमिट स्टेट मेथड इज वन दैट इंश्योर्स एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट कोलैप्स कोलैप्स के लिए सेफ्टी भी उसमें होता है या नहीं हम लोग मेंटेन करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए उसको डिजाइन करते हैं क्लियर सो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स तो सेकेंड सही है

न्यूट्रल so, एक्सिस के नीचे थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता है ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेता है सब आइडियलाइज कर देते हैं हम लोग मानते हैं कि उतना स्ट्रेस तक नहीं जा रहा है ठीक है लेकिन जो वो एक्चुअल में उसमें स्ट्रेस और ज्यादा आ सकता है तो इसीलिए जो हम लोगों का थियोटिकल कैलकुलेशन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये वो उन सब से ज्यादा सेफ होता है एक्चुअल में स्ट्रक्चर एक्चुअल में हम लोग जितना कॉपी पे स्ट्रक्चर को सेफ मानते हैं ना एक्चुअल में स्ट्रक्चर उससे ज्यादा सेफ होता है आया समझ में क्लियर ठीक है सो ओवर ओवर क्लास इज ओवर ठीक है नाउ देअमेंट ऑफर एलर ट्वेल्व प्लस थ्री मंथ अभी कोई लेगा सब्सक्रिप्शन तो उसको गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक फायदा हो जाएगा क्लियर कोई बैच स्टार्ट होने वाला है आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होने वाला है क्लियर हम बहुत जल्द ही अपना चारों सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर एनालिसिस आरसीसी और स्टील का अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि कब से हम क्या कैसे स्टार्टिंग करेंगे ठीक है स्पेशल क्लास फीचर्स ओके सो एंड ऑफ स्लाइड शो सो मिलते हैं कल आगे और फर्दर क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर का अच्छा अच्छा केवल क्वेश्चन कर लेंगे उससे सारा आप लोगों का रिकैप हो जाएगा जब भी कभी लगे कि आरसीसी रिवाइज करना ये वाला सीरीज पूरा देख लीजिए आरसीसी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा सो so, हम अब क्लोज करते हैं